नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड कांग्रेस के 3 एमएलए समेत 5 आरोपी 10 दिनों की पुलिस हिरासत में, सीआईडी को जांच का जिम्मा। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण हावड़ा के पंचला में वाहन जांच के क्रम में बेहिसाबी नकदी के साथ शनिवार रात को हिरासत में लिए गए झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को इन्हें हावड़ा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन्हें 10 दिनों की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया है। आप सबको बता दूं कि इनके पास से करीब 49,37,300 रुपये बरामद किए गए थे। इन आरोपियों में जमताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कश्यप, कोलेबरा विधायक नमन विंसल कुंगाड़ी और कुमार प्रतीक और चंदन कुमार भी शामिल थे। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक सस्पेंड, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सोमवार को सौंपेंगे रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विंसल कोंगाड़ी को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर है। झारखंड दौरे के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के दौरान मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की जानकारी मिली है। कहा कि तीनों विधायकों के इस मामले में संलिप्त होने की जानकारी भी उनके पास है। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं भाजपा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच गहरी मंथन हुई। कौन कौन मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता इसमें संलिप्त हैं, सबकी जानकारी है। झारखंड की वर्तमान स्थिति को लेकर सोमवार को सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। हेमंत सरकार गिराने की थी प्लानिंग, विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर, कांग्रेस की प्राथमिकी में दावा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कोलकाता में पैसे के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दिया गया था। इस मामले में कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं नेताओं ने कहा कि यह घटना दुखद होने के साथ साथ अति निंदनीय है। पूरे देश में गैर भाजपा सरकारों को इसी प्रकार से गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों का उन्होंने उदाहरण भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनूप सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी का हवाला दिया जिसमें उन्होंने विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देने की बात बताई है। आप सबको बता दूं कि अनूप सिंह ने राजधानी के अरगोड़ा थाना में दिए आवेदन में कहा गया है कि पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों ने उन्हें भी कोलकाता बुलाया था जहां से सभी गुवाहाटी निकल जाते। इस अनूप के आवेदन के अनुसार इरफान अंसारी ने उन्हें कहा था, हेमंत बिस्वा से मुलाकात के बाद नई सरकार में मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय हो जाएगा। बिस्वा का आशीर्वाद मिल जाने के साथ ही नई दिल्ली में बैठे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिलना तय है। अनूप ने कहा कि वे ऐसी आपराधिक और अवैध कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहते थे। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन में जंगल से 4 कैन बम बरामद। लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर लातेहार जिले के गारू प्रखंड के बारे साढ़ थाना क्षेत्र के टेंटाड़ जंगल में प्लांट किए गए 4 कैन बम बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद कैन बमों को निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस अधीक्षक श्री अंजन ने बताया कि इन 4 बमों में 3 कैन बम 10-10 किलोग्राम एवं 1 कैन बम 5-6 किलोग्राम के हैं। झारखंड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए देना होगा शपथ पत्र, जल्द जारी होगा प्रारूप। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होने को लेकर नई मगर महत्वपूर्ण बात सामने आई है। राज्य सरकार इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय ली है। इस निर्णय के तहत अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP के शर्त मानने के लिए शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि कर्मी किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जो शपथ पत्र देना होगा उसका प्रारूप जल्द लागू किया जाएगा। राज्य सरकार का वित्त विभाग शपथ पत्र का प्रारूप विकसित करेगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने की सहमति प्रदान की है।
एसओपी गठित करने के लिए विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में वित्त एवं क्रामिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य बनाए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं से जमा राशि प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि 15 अगस्त तक योजना लागू करने की है बात। झारखंड में स्टेनोग्राफर के 452 पदों पर वैकेंसी। जेएसएससी ने कैंडिडेट को फिर दिया मौका, 11 अगस्त तक बढ़ी आवेदन की तारीख। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा सचिवालय स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां निकली है, जिसके तहत 452 रिक्त पदों को भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2022 से शुरू हुई थी, वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 से निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर अब 11 अगस्त 2022 कर दिया गया है, यानी कि उम्मीदवार अब 11 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। आप सबको एक बार फिर से बोल दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय स्टेनोग्राफर के 452 पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, एससी एसटी के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर 11 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2022, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। आप सबको बता दूं कि आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक http://www.jssc.nic.in है। मंत्री के नाम का झांसा देकर 14 लाख की ठगी, कोडरमा पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। बिहार के नालंदा निवासी व्यवसायी गौरव रंजन से 14 लाख रुपए की ठगी के मामले में 2 जालसाजों को कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जालसाज गयानंद पासवान को कोलकाता स्थित उनके ससुराल से और संजय मिश्रा उर्फ लक्ष्मीकांत उर्फ संजय पांडे को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। दोनों हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र के सियारी सिंदूर के निवासी हैं। लक्ष्मीकांत के पास 7.5 लाख रुपए नगद, 500 की नोट साइज का कागज का कटिंग कर बनाया हुआ 12 बंडल, 3 मोबाइल, विभिन्न बैंकों का खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, कई आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं गयानंद के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। इसका प्रयोग वह ठगी मामले में करता था। गोड्डा के सांसद लगातार कर रहे हैं क्षेत्र का विकास, निरहुआ ने कहा। बाबा नगरी पहुंचे सिने स्टार और सांसद मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने सनमार्ग के वरीय संवाददाता से बातचीत के क्रम में सभी ने बाबा नगरी की जमकर तारीफ किया और सभी ने एक सुर से स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा किए गए विकास कार्यों की खूब प्रशंसा की। मनोज तिवारी ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे के कार्यकाल में देवघर ही नहीं पूरे संथाल परगना का विकास हो रहा है। जहां हम लोग पहले 14 से 15 घंटा में देवघर पहुंचते थे, वहीं अब मात्र महज 2 घंटे में देवघर पहुंचते हैं। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज जो है देवघर में एम्स का खुलना यहां के लोगों को अमृत प्रदान करेगा। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देवघर में जो लगातार उत्साह का माहौल दिख रहा है, यह बाबा की मर्जी और आशीर्वाद से हो रहा है। वहीं नेता सह अभिनेता दिनेश लाल यादव और अभिनेत्री अमरपाली दुबे ने भी संथाल में हो रहे विकास और बाबा नगरी की खूब प्रशंसा की और सांसद निशिकांत दुबे को धन्यवाद जताया। बताते चले कि फिल्म अभिनेता सह सांसदों के देवघर पहुंचने के बाद रोड शो के दौरान सड़क किनारे हजारों की संख्या में लोग खड़े हो उनका स्वागत कर रहे थे, जिससे सभी सांसद देवघर की जनता की जमकर तारीफ किया और पुनः देवघर आने की बात कही। पलामू में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 2 झुलसे। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में रविवार की शाम हुए वज्रपात की घटना में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य झुलस गए। घटना बगैया गांव में घटी, जिसमें घर के ऊपर ही बिजली गिरने से 40 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी और 23 वर्षीय मिथिलेश यादव की मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं मृतका के 2 पुत्र प्रिंस कुमार और छोटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि शाम को बारिश के साथ हुए वज्रपात के समय सभी घर के अंदर थे, इसी दौरान घर पर ही वज्रपात हुआ, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज दिया गया।
चौपारण पहुंचे उत्पाद मंत्री तुड़वाई अवैध शराब की भट्टियां, कहा जल्द समाप्त होगा चौपारण में वन कटाई और अवैध शराब का धंधा। वहीं मंत्री ने कहा कि चार मिडिल स्कूल हाई स्कूल में किए जाएंगे अपग्रेड। राज्य के शिक्षा मंत्री और उत्पाद विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो रविवार को झारखंड बिहार के सीमा पर सटे चौपारण प्रखंड के भगहर पंचायत पहुंचा। वहां बनी अवैध शराब भट्टियों को देखकर उन्होंने कहा कि यह दृश्य झारखंड के लिए कलंकित करने वाला है। साथ ही इस भट्टी को संचालित करने के लिए हर दिन सैकड़ों पेड़ जलाए जा रहे हैं। उन्होंने उत्पाद विभाग, वन विभाग सहित जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी वाला अंदाज में कहा कि जल्द ही इस कलंक को मिटाएं। उन्होंने जंगल से कटा गया लकड़ी को जब्त करने, अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करने और संलिप्त लोगों पर मामला दर्ज करने का कड़ा निर्देश दिया, जिसकी शुरुआत करते हुए उत्पाद विभाग ने मोहम्मद तासीर आलम, भोला यादव, राजकुमार चौधरी, सुभाष कुमार, ओम विश्वकर्मा, मुन्नीलाल कुमार यादव पर मामला दर्ज कर मुन्नीलाल कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। वहीं मंत्री ने कहा कि चौपारण के चार मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहली प्राथमिकता भगहर और पांडे बारा विद्यालय का है। इस कार्य से विद्यालयों को सहूलियत और शिक्षा का विकास होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।